नमस्कार दोस्तों, एसके लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आया हूँ आज जो है कि आपको एक औषधि जो है कि बहुत ही अमृत के समान इसको माना जाता है, जिसको कहते हैं गिलोय, और हमारे यहाँ गुरुज के नाम भी जाना जाता है, कहीं कहीं गुरुज के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसका समझ लीजिए चमत्कारी फ़ायदा क्या, ये समझ लीजिए एक तरह से अमृत का वरदान है। और इसके फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको बुखार है, बुखार में इसका जो है कि जड़ ये है, देखिए ये तना है, और इसके फूल देखिए फूलना चालू किया है। बरसात का समय है, फूल रहा है इसी तरह से। और ये जैसे कि आपको नियादी बुखार है, मलेरिया है, इसका काढ़ा बनाने में इसका काढ़ा बनाकर पीने से सारी की सारी जो है कि बीमारी ख़त्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है, तो आजकल लोगों में देखने को मिल रहा है कि प्लेटलेट कम हो जा रहा है। डेंगू में जो आप लोग बताते हैं कि प्लेटलेट कम हो रहा है, तो ये प्लेटलेट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से जो है कि बढ़ाता है। ये गिलोय इतना ही अमृत है जितना आपसे क्या बताएं। ये गिलोय अगर आप इसको पीस कर पीते हैं, इसके पत्ते को, इसके तने को पीस कर आप काढ़ा बनाकर अगर पीते हैं, तो आपका प्लेटलेट और इतना तेज बढ़ेगा कि आप जो है कि जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। प्लेटलेट आपका जो है कि ये समझ लीजिए एक तरह से बैंक है, प्लेटलेट बैंक, इसको प्लेटलेट बैंक भी हम कह सकते हैं। ये गुरुज का जो है कि देखिए ये गिलोय का जो है कि तना है, इसको भी काढ़ा बना के लोग बुखार में पीते हैं, छोटा छोटा बना करके इसको जो है कि चाय के समान जो है कि आप इसको बना करके जो है कि इसको काढ़े को यूज कर सकते हैं। और दो तीन आड़ा मरीच आप डाल लीजिए उसमें, और भी फायदेमंद होगा। और एक बात ये है, इस काढ़े को पीने से आपके शरीर में जितना भी बैक्टीरिया है, जितने भी आपके जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, इतनी मोटी जली जो है कि ये हम एक नदी के पास में आए हैं, हमको जो है कि मिल गई अद्भुत जड़ी, और बहुत ही पुराना है ये गिलोय का पेड़। देखिए किस तरह से इतना मोटा मोटा जड़ फेंका हुआ है पूरे। तो दोस्तों ये हमारा जो है कि गिलोय का जड़ी आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।